जो गवर्नमेंट का स्पेसिफिकेशन है, जो किताबचा है, उसके मुताबिक हमने कौमी परचम बनाना शुरू किया। पहले छोटा परचम बनाया 2x3 का, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, बड़ा बनाते बनाते इतने बड़े पैमाने पर पहुँच गए कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तानी परचम बनाया, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब में जब हमने वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लैग बनाया तो ज़ाहिर इंटरनेट का ज़माना है, सबको पता चल गया कि हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा बनाया। तो वहाँ पर उन्होंने एक ऊंचा पोल लगाया और वहाँ के लिए उन्होंने हमसे अप्रोच किया कि ये झंडा हमने उनके लिए बनाया जाए। तो वो हमने 3-4 झंडे उनको बना के भेजे थे। पाकिस्तान में सऊदी अरब का झंडा बनाना ये भी एक एजाज़ की बात है। पूरी दुनिया के झंडे हमारे पास तैयार होते हैं, जिसको जो चीज़ चाहिए होती है बाहर से भी हमारे पास ऑर्डर आते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, यहाँ पर भी, कराची में भी, पाकिस्तान में भी, ये जो एम्बेसीज़ हैं और जो कॉन्सुलेट हैं उनके सब के जाते हैं, 5-स्टार होटलों में जाते हैं, जहाँ कहीं इवेंट होता है, किसी जगह कोई इवेंट होता है जहाँ पर हम लोग को कुछ झंडे लगाने होते हैं। मैं 30 अगस्त को 75 साल का हो जाऊँगा, तो ये दोनों जो ना अगस्त का महीना जो है ना, हम कहते हैं ना आज़ादी का महीना, ये मेरी पैदाइश का महीना है, ये मेरे पाकिस्तान की पैदाइश का महीना है। मैं नई नस्ल को यही बात बार बार बताता हूँ कि आप इसको भूलें नहीं, ये पाकिस्तान बड़ी जद्दोजहद के बाद हासिल किया गया था, और इसकी अजमत का, इसकी वक़ार का ख्याल रखें, और इसको जिस तरीके से जोश व जज्बे से आप जश्न आज़ादी मनाते हैं इसी तरह मनाते रहें, और बल्कि और ज़्यादा बेहतर तरीके से मनाएँ।